गाइस डे टू सुबह हम थोड़ा लेट हो गए उठने में। अभी टाइम हो रहा है 12 ऑलमोस्ट और हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। आज के टारगेट्स हैं कुछ शिशु प्लस हम जाएंगे टनल, अटल टनल और सोलांग वैली। तीन चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। टाइम मिला तो यहाँ पे पड़ोस में माल रोड वन विहार है तो वहाँ भी जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है आज का दिन, कैसा जाता है आज के दिन, ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता है, फन करते हैं नहीं करते हैं, एंजॉय करते हैं नहीं करते। हाय गाइस, अब हम आ गए हैं अटल टनल रोहतांग। तो यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हो, ये बहुत सुंदर है टनल, बट आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, आपको चलते जाना है। गाइस हम पहुंचे हैं सिसु, मनाली से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आ गए हैं। एक घंटे की ड्राइव है, अटल टनल के थ्रू होके आएगा। टनल बहुत ब्यूटीफुल था, वीडियो शेयर की हुई है, देखा देखना आपने देखा होगा। ये व्यू देखो आप, सो ब्यूटीफुल, सो चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है, स्नो फॉल नहीं है, नीचे सब पानी है, नदी बह रही है, लोग बैठे हैं इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब सुंदर जो होता है ना वो भी छोटा शब्द इसके आगे, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा मनाली आओ, माल रोड रुको एक रात, कई 12 घंटे ड्राइव करके 13 घंटे 15 घंटे जो भी आपको टाइम लगेगा, मनाली माल रोड रुको, मार्केट करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सीधा यहाँ आओ। वैसे लोग मनाली से आते हैं, सोलांग वैली घूमते हैं, मनाली माल रोड घूमते हैं, मनीकरण जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। सजेस्ट करूंगा यहाँ ज़रूर आना इस ब्यूटीफुल प्लेस पे। इस ब्यूटीफुल प्लेस का नाम है शिशु, शिशु फिर बोल रहा हूँ एक बार, शिशु बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। कभी भी आओ आपको बार मिलेगी मिलेगी, आपको आइस मिलेगा मिलेगा, स्नोफॉल नहीं है मार्च के महीने में, मार्च में है और आज तारीख है 14 तारीख है, 14 मार्च, एक महीने पहले होते 14 फरवरी को या 14 जनवरी को तो हमें यहाँ पे ज़रूर स्नोफॉल मिलता। गाइस देखिए डांस की परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है, लाइव शो होने वाला है यहाँ पे, मैं आपको ज़रूर लाइव लेके जाऊँगा, लाइव तो नहीं लेके जाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको लाइव दिखाऊंगा जब देखेंगे कि आप। छपरे भी हैं
नाइस मैन। ए ब्रो मंजू, टाइम हो गया 4:15, टाइम हो रहा है 13:14 और हमें यहाँ से निकलना है वापस अपने दूसरी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है सोलांग वैली। कैसा लगा मंजू, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जरूर 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 विजिट करना चाहिए। मेरे तो जीप भी बिल्कुल वैसे हो गया, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा कपड़े पहन के आना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हाँ कट स्लीव्स पहन के, स्कर्ट्स पहन के, शॉर्ट्स पहन कर आए हैं। मुझे पता नहीं उनके अंदर उतनी गर्मी कहाँ से आई है, बट बहुत ठंडी है। अभी यहाँ पे -4 degrees है टेम्परेचर, -9 degrees जाता है यहाँ पे अभी के टाइम पे, मार्च के टाइम। और मैं आपको एक इंसान से मिलाऊंगा जो है अपना बेड़े मौज कर दी और मौज। चलो गाइस दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, सोलांग वैली। बर्फ तो नहीं मिलेगी वहाँ, शायद मिल भी सकती है थोड़ी बहुत, पैराग्लाइडिंग होती है वहाँ पे, तो अपना तो बजट अलाउड नहीं करता। एवरी प्लेस हैज इट्स ओन ब्यूटी ना, तो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या है कैसे, तो आपको हम वहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल, आई एम नॉट अ प्लेस बट शी इज माय ब्यूटी। Okay guys, bye-bye.